दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द नवजीवन। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक वीडियो आई है जहां कई क्विंटल टमाटर सड़कों पर फेंक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किसानों ने टमाटर सड़कों पर फेंक दिए और उनके ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ा दिया और पूरी फसल को अपनी बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें जो इनका जो लागत है वो तक नहीं मिल रही है, ये हाल चल रहा है मंडियों में। ऊपर से लॉकडाउन, कोरोना की मार चल रही है, इस वजह से फसल और ज्यादा खराब हो रही है। पहले आपकी एक वीडियो देखी है, फिर उसके बाद में किसान के माथे पर पूरा खून सवार है। काफी ज्यादा नुकसान होने के कारण एक बार दवा लाने जाते हैं टमाटर मारने के लिए, तो उसमें 1500 का दवा होता है, एक ट्रे टमाटर 40 रुपए का होता है। इसमें कितना ज्यादा नुकसान है आप देख सकते हैं खुद ही। किसान भाइयों से कृपया निवेदन है कि कृपया जितने नुकसान हुए हैं उसको बाहर दिखाएं और नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से हम हैं और मीनापुर थाना बरहंडा मझौलिया 5 नंबर वार्ड से किसान को नुकसान होने के कारण किसान लोग के भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण टमाटर पूरा रोड पर फैला रहे हैं लोग, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बहुत नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने सारे टमाटर है, ट्रे इधर फेंक रहे हैं लोग, गुस्से में पागल हो गए हुए हैं लोग। देखिए कि इधर इतने सारे टमाटर हैं और आगे भी बहुत हैं। लगे में कलम खिले, देखिए यहाँ पर भी है। आप सामने आओ, देखिए ये है किसान, बहुत नुकसान हुआ है। जल्दी चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए। ये पूरा ये बात देखिए आप लोग, ये लोग पेट्रोल लाने के बात कर रहे हैं, टमाटर में आग लग सकता है क्या? ये देखिए ट्रे में आग लगाने के बात कर रहे हैं लोग, भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए कैसे फेंक रहे हैं, किसान साहब पागल हो गए हुए हैं। लॉकडाउन के वजह से नेपाल टमाटर नहीं जा रहा है, नुकसान बहुत हुआ है। देखिए अंदर से और टमाटर आ ही रहा है कि यहाँ भी बहुत सारे टमाटर हैं, पूरे 200 ट्रे हैं, काफी ज्यादा नुकसान में है। आप देख रहे हैं कि उधर ट्रैक्टर आ रहा है, जैसा कि देखिए किसान भाइयों से एक आग्रह है कि कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और वो हम लोग पर, किसान भाइयों पर ध्यान दे। ये जो ट्रे के भी कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं कि ट्रे 80 रुपये ट्रे है और टमाटर 40 रुपये है, जिसका नेपाल ले जाने में भंसार कटता है 10,000 का और टमाटर एक पिकअप होता है 3,000 से 4,000 का। देखिए एक ट्रैक्टर आया है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों से कृपया निवेदन है कि कृपया जितने नुकसान हुए हैं उसको बाहर दिखाएं और नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचाए। दम जाइएगा आप, आगे बढ़िए आगे बढ़िए।
देखिए इतने बौखलाए गए हैं किसान की हाली कितने तेजी में ट्रे फेंक रहे हैं, इनका तो शरीर ही पहाड़ लग रहा है। कोई लेने वाला ट्रे टमाटर नहीं है। टमाटर के वजह से लोगों के हुई लगी भीड़। आप देख सकते हैं कितने सारे टमाटर हैं, लोगों के काफी ज्यादा नुकसान हुए हैं। अब देखिए टमाटर रोपे हैं लेकिन एक रुपया फायदा नहीं हुआ है उनका, काफी ज्यादा नुकसान है। इसलिए सोच रहे हैं नुकसान ही हुआ है तो ज्यादा से ही नुकसान हो, हम भी मोदी सरकार के बताएं कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। और आप देख सकते हैं कि कृपया प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसान भाइयों को इसका। तो देखा आपने किसानों ने पूरी अपनी फसल को बर्बाद कर दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो उनकी लागत है वो भी नहीं मिल रही। और यही वजह है कि लगातार किसान आंदोलन अभी तक जारी है। भले ही थोड़ा पब्लिक वहां पर कम हो गई हो लेकिन किसान अभी भी डटे हुए बैठे हुए, टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, सब जगह किसान अभी भी आपको मौजूद मिलेंगे। उनका सिर्फ यही कहना है कि उनकी जो लागत है, उनकी जो फसल है, वो दाम भी मंडियों में नहीं मिल रहे। और दूसरी ओर मोदी सरकार महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रही है। अगर आप बाहर सामान खरीदने जाओगे तो इतना महंगा मिलेगा लेकिन किसान से पूछोगे तो उसको जो गोभी 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो है तो उसे उसकी 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो बिक रही होगी। ये हाल है। लेकिन ये मैं पूछना चाहूंगा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार जिम्मेदार है? क्या आप लोग खुद जिम्मेदार नहीं है? क्यों? क्योंकि जब आपने मोदी सरकार से जब सत्ता में आई, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो डरा हुआ है, आपने कहा महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ? पाकिस्तान तो डरा हुआ है। देश में रोजगार नहीं है तो क्या हुआ? पाकिस्तान तो डरा हुआ है। देश में स्कूल नहीं है तो क्या हुआ? राम मंदिर तो बन रहा है। देश में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही तो तब लोगों का जवाब ये होता था तो क्या हुआ, पाकिस्तान से तो बेहतर है या मुसलमानों की चूड़ी तो टाइट है। तो अब क्यों मोदी सरकार से ये उम्मीद लगा रहे हो आप लोग कि मोदी सरकार आप लोगों की सुनेगी? और क्यों सुने जब आपने इन मुद्दों पर वोट ही नहीं किया था? जब आपने वोट किया था पुलवामा हमले पे, जब आपने वोट किया था पाकिस्तान को लेकर, जब आपने वोट किया था हिंदू मुस्लिम को लेकर, जब आपने वोट किया था राम मंदिर पर, तो अब मोदी सरकार से आपको ये सारी चीजें मांगने का हक भी नहीं है कि वो आपकी फसल के सही दाम दिलाए, वो आपकी फसल को बर्बाद होने से रोके या जो देश में कोरोना की महामारी फैल रही है उसको रोके या ऑक्सीजन आप तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं बनती क्योंकि मोदी सरकार ने इन चीजों का वादा ही नहीं कहा था और आपने मांगा भी नहीं था। अब जब समस्याएं आ रही हैं, जब मोदी सरकार ने यह कहा कि हम रहेंगे तो हिंदू खतरे में नहीं होगा और आप लोग ये कहते थे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, मोदी जी हमें बचाएंगे, तो अब हिंदू खतरे में नहीं है। हाँ, अब कोरोना से हिंदू नहीं मर रहे, अब जो हिंदुओं की फसलें हैं उनका दाम ज्यादा मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा, अब मोदी सरकार ने ये कर दिया है। तो क्यों समस्या में हो आप लोग? इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हो। जब आपने वोट देने जाते हो तब उस वक्त ये सारे मुद्दे आप नहीं देखते, तब उस वक्त आप ये नहीं देखते कि सरकार स्कूल देगी या नहीं, सरकार अस्पताल देगी या नहीं, सरकार क्या कर रही है, कितना डेवलपमेंट किया, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। नहीं, जब आपने भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने सिर्फ ये बात करी थी राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, तो फिर आप उनसे विकास की बात क्यों कर रहे हो? जब सरकार ने कहा था कि हिंदू को बताएंगे तो अब बच रहे हो ना हिंदू, अब देखो कोरोना से तो हिंदू मर ही नहीं रहे, सिर्फ मुसलमान मर रहा है। अब ऑक्सीजन हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को तो मिल ही नहीं रहा। अब जो महंगाई बढ़ रही है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ रही है, हिंदुओं के लिए तो बढ़ ही नहीं रही, तो फिर हिंदू क्यों परेशान है? इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद वो वोटर्स हैं जब सत्ताधारी पार्टियों को वो इन मुद्दों पर वोट करते हैं और इन मुद्दों पर वोट नहीं करते। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, जब इन मुद्दों पर आप वोट नहीं करेंगे तो आपका कोई अधिकार भी नहीं है फिर ये सब पूछने का सरकार से कि हमारी फसल का मोल, जो हमारी लागत है, वो भी नहीं मिल रहा।
खैर हम तो लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या देश में चल रहा है और सरकार की नाकामियां क्या है। सच्चाई ये है कि ये सरकार की नाकामी है कि आज हर व्यक्ति परेशान है, किसानों को अपनी फसल बर्बाद करनी पड़ रही है। ये पहला वाक्य नहीं है, इससे पहले भी हमने आलू हो, गोभी हो या दूध सड़कों पर बहते देखा है। वो सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि सरकार की नाकामी है, सरकार ने सही काम नहीं किया, इसी का फेलियर है कि आज हर व्यक्ति परेशान है और देश में महंगाई बढ़ रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। खैर आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।